વલસાડના તિથલ રોડ ઉપર આવેલ બીઆરસી ભવન ખાતે 281 જેટલા દિવ્યાંગ બાળકોને સામાજિક સંસ્થા દ્વારા TLM કિટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સિકંદરાબાદની રાષ્ટ્રીય બૌદ્ધિક ક્ષમતા સશક્તિકરણ સંસ્થા દ્વારા HTSC ની કેટેગરીમાં આવતા 3-15 વર્ષીય બાળકોમાં લેખન વાંચનની રૂચિ વધે અને તેમનો બૌદ્ધિક વિકાસ થાય તે માટે 281 બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવી હતી. हम राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, जिसका नया नाम राष्ट्रीय बौद्धिक अक्षमता सशक्तिकरण संस्था, सिकंदराबाद की तरफ से दिल्ली रीजनल सेंटर की तरफ से आए हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पूरे गुजरात में STSC जो बच्चे हैं, जो कि मानसिक बौद्धिक दिव्यांगजन बच्चे हैं, उनको एक विशेष रूप से तैयार किया हुआ पढ़ाई लिखाई का सामान वितरण के लिए आए हैं. गुजरात राज्य के लिए मैं डॉक्टर मौशमा में एज ए कोऑर्डिनेटर आई हूँ और सर्व शिक्षा अभियान के मदद से पूरे गुजरात में हम ये वितरण कर रहे हैं. खासतर इस 5 दिवसीय जो डिस्ट्रिक्ट काम करने वाले हैं उसमें तापी, वलसार, नर्मदा, डैंग और छोटा उदयपुर को कवर कर रहे हैं. यहाँ पे आए हुए सभी अभिभावक और बच्चे जो आए हैं उनको भौतिक मदद देना पड़ेगा, आर्थिक मदद के साथ, और TLM की वितरण कर रहे हैं. और इस TLM में खासतर टीचिंग लर्निंग में हमने ये देखा है कि किस तरह से 3 साल के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे तक का समान इस तरह समायोजन है, जिसमें भौतिक विकास ही नहीं, सामाजिक संप्रेषण और कई सारे विकास का ध्यान रखा गया है, और दिमागी विकास भी. और ये काफ़ी करीब से 10 से 15 साल के शोध के बाद विशेष शिक्षा डिपार्टमेंट निपट सिकंदराबाद ने ये डेवलप किया है. और ये अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पहली बार पूरे राज्य में हम ये वितरण कर रहे हैं. खासकर गुजरात का जो अभी तक हमें मदद मिला है, हर जगह बहुत अच्छा मिला है. सर्व शिक्षा अभियान का जो भी कोऑर्डिनेशन हर डिस्ट्रिक्ट में है, उनका बहुत ही अच्छा समायोजन रहा है. उनका आयोजन और टीचरों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है. यहाँ के पेरेंट्स और टीचर का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा दिखता है, और पूरे देश भर में से हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिला है. मैं काफ़ी आभार हूँ इस कार्यक्रम के लिए, खासतर सर्व शिक्षा अभियान अहमदाबाद और गुजरात स्टेट, रोहित सर जी और एडिशनल मैडम मिसेस राव हैं, और डेफिनेटली मेरे साथ हैं मिस्टर रजेंद्र सिंह जी, इनके मदद से मैं ये कर रहा हूँ.